ताई, ताई आप ठीक तो है ना? ये क्या हो रहा है? ये आपने हटाया क्यों? हाँ कुछ नहीं होगा सर। आप ऐसे अचानक खड़े क्यों हो गए? हरीन ताई को आपसे बात करनी थी ना, क्या बोला ताई ने? बोलिए ईशान सर, क्या बात हुई आपकी? ईशान सर, सर बताइए ना, ताई ने क्या कहा आपको? हरिणी जी चाहती हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। क्या यही कहा तुम्हारी ताई ने कि मेरी तुमसे शादी हो जाए? नहीं, ये मजाक करने का वक्त नहीं है सर। तुम्हें लगता है इस वक्त मैं मजाक करूंगा या तुमसे झूठ बोलूंगा? यही कहा है तुम्हारी हरिणी ताई ने। नहीं, आप और मैं शादी नहीं, ये बात आई कहां से? आपने मना कर दिया ना। बोलिए, आपने मना कर दिया ना? ईशान सर, आपने ना बोला है ना ताई को? ताई की बात मान ली आपने? मुझसे शादी करने के लिए आपने हाँ बोला है? मुझे शादी करने के लिए तैयार? बेवकूफ लड़की, तेरे पास दिमाग है या नहीं? ये क्या किया तूने? दूल्हा शादी से पहले अपने होने वाली दुल्हन को शादी के जोड़े में नहीं देख सकता? इसे अच्छा नहीं मानते? किसे किसे पूछा था तुमने और ये फोटो भेजी तुमने? हाँ, सिर्फ हाइट बड़ी है तुम्हारी, दिमाग नहीं। अरे ईशान यहाँ नहीं है, इसीलिए तो रीवा को शादी का जोड़ा पहनाकर ट्रायल करवा रहे थे और तुमने सीधा फोटो भेज दिया। I'm so sorry अक्का साहब, मुझे नहीं पता था कि फोटो नहीं भेजनी होती है, तो मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं करती। डिलीट करो। अक्का साहब, फोटो तो उनके पास चली गई। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी जनरेशन की, रसम रीति रिवाज कुछ समझते ही नहीं हो, बस मजाक बना दिया है। अरे जाने दीजिए ना सुरेखा जी, बच्ची है, और घबराइए मत, कुछ गलत नहीं होगा। इनफैक्ट रीवा की फोटोग्राफ देख के ईशान उससे शादी करने के लिए और उतावला हो जाएगा। देखेगा कैसे सारे काम छोड़ छाड़ के दौड़ा चला आएगा वो। हाँ, पर मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। बापा, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हे विघ्नहर्ता, रीवा और ईशान की शादी में कोई विघ्न आने मत देना। नर्स, ताई कैसे? ताई ठीक तो है ना? उनकी हालत बिगड़ रही है, आप लोग जल्दी चलिए प्लीज। डॉक्टर ने लाइफ सेवर इंजेक्शन मंगवाया है। डॉक्टर, क्या हो रहा है मेरी ताई को? प्लीज कुछ कीजिए ना, ठीक कीजिए ना मेरी ताई को, प्लीज।